इसराइल हमास युद्ध की आज से पूरा मिडिल ईस्ट धधक रहा है। इसराइल पर ईरान समर्थित सभी फिलिस्तीनी समर्थक गुट हमलावर हैं। इसके चलते इसराइल के गाजा में चौतरफा हमलों से जूझना पड़ रहा है। इनमें सबसे ज्यादा लेबनान का हिजबुल्ला संगठन इसराइल के लिए सरदर्द बन गया है। हिजबुल्ला लड़ाके हर दिन हमलों की नई सीरीज शुरू कर इसराइल पर कहर बरपा रहे हैं। लड़ाकों की ओर से सटीक हमले दाग कर इसराइल को दहला दिया है। लड़ाके चुन चुन कर इसराइल के सैन्य साजो सामान को अपना शिकार बना रहे हैं। एक बार फिर लेबनान के इस्लामी प्रतिरोधी ने इसराइली सैन्य ठिकानों और मानव युक्त साइटों और वाहनों को निशाना बनाकर कई ऑपरेशन को अंजाम दिया। दावा है कि इससे इसराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्ला ने दिन के पहले ऑपरेशन का खुलासा करते हुए बताया कि उसके लड़ाकों ने अल मर्ज मिलिट्री साइट में तैनात इसराइल के मुख्य युद्धक टैंक मरकवा की पहचान की। इसके बाद टैंक को एक गाइडेड मिसाइल से तबाह कर दिया। इस सटीक हमले से चालक दल के सदस्य भी मारे गए। इसके अलावा अल मंसूरी में लड़ाकों ने गाइडेड मिसाइलों और तोपों का इस्तेमाल कर जारिड बैरक के पास मौजूद कई टारगेट पर हमला किया। इसमें लड़ाकों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साथ ही इजरायली बलों की ओर से बनाए ठिकानों को तबाह किया गया है। प्रतिरोधी लड़ाकों ने तोपखाने के गोले से कब्जे वाले शीबा फार्म में जेबदीन साइट को निशाना बनाया, जिसे सीधे हमले से अंजाम पहुंचाया गया। इजरायली हमलों का जवाब देते हुए इस्लामिक प्रतिरोध ने रॉकेटों की बौछार कर अल मनारा बस्ती में एक इमारत को निशाना बनाया। ऐसा दावा है कि इसमें इजरायली सैनिक तैनात थे, जो कि सीधे हमले में ढेर हो गए। वहीं अल मनारा में भी ऐसे ही एक हमले में इजरायली बलों को धूल चटाने का दावा किया गया। हिजबुल्ला लड़ाके यही नहीं रुके, कब्जे वाले कफर चौबा पहाड़ियों में रुइस्मत अल आलम साइट पर निगरानी उपकरणों पर हमला कर उन्हें नष्ट किया। साथ ही इजरायली हमलों के जवाब में हिजबुल्ला ने मेटुला बस्ती में आईडीएफ की ओर से इस्तेमाल होने वाली दो इमारतों पर सीधा हमला कर जमींदोज कर दिया। एक और खतरनाक ऑपरेशन में सेनानियों ने स्तूला बस्ती में सैनिकों के कैंप पर हमला किया। हिजबुल्ला ने भीषण हमले की फुटेज भी जारी की है। इसमें अल मर्ज बेस पर तैनात इजरायली नामर बख्तरबंद कार्मिक वाहन को निशाना बनाने वाले ऑपरेशन का खुलासा हुआ। वीडियो में एक सैन्य वाहन को अलमास मिसाइल से सीधे हमला करते हुए दिखाया गया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद से बौखलाए हिजबुल्ला ने अपने हमलों को और तेज कर दिया है। इसके चलते हिजबुल्ला ने बीट हिलेल में बटालियन 759 के कमांड सेंटर पर फलक रॉकेट से हमला किया, जो कि सीधा हमला बताया गया। वहीं एक तरफा ड्रोन का इस्तेमाल कर आइलेट में 51वीं डिवीजन मुख्यालय पर धावा बोला। साथ ही सीधे इजरायली अधिकारियों और सैनिकों पर सटीक हमला भी किया। हिजबुल्ला ने दोहराया कि यह ऑपरेशन गाजा के फिलिस्तीनी लोगों और उनके प्रतिरोध के समर्थन तक जारी रहेंगे, जब तक इसराइल जंग के मैदान में घुटने नहीं टेक लेता। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यह भी घोषणा की कि उसके दो लड़ाके शहीद हो गए।